नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। उमरिया जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर सरसवाही गांव से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो मानवता को झकझोर कर रख दिया है। इस वीडियो ने मामा शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ मासूम बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। यह वीडियो उमरिया जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर का है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूल के बच्चे नाला पानी में उतर कर पार कर रहे हैं। नाले पर कोई पुल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने के लिए परेशानी होती है। लगातार हुई बारिश के दौरान नाला उफान पर था तो बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, लेकिन नाले से पानी उतर गया है तो अब बच्चे उस नाले में उतर कर स्कूल का सफर तय कर रहे हैं। हालांकि अभी भी नाले में भरपूर पानी है और मासूम बच्चे घुटने भर पानी से ज्यादा गहरे नाले में उतरने के लिए विवश है। अव्यवस्थाओं की कहानी कहता है यह वीडियो बच्चों की जिंदगी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। उमरिया कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम सरसवाही में स्कूली बच्चे जान हथेली में रखकर घुटने तक पानी से होते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और गंभीरता बरतने की जरूरत है। अभी हाल में पानी में डूबने से आरक्षक और एक मासूम की जान पर सवाल बना हुआ है। हालांकि शुक्रवार की सुबह आरक्षक का शव मिल गया है, परंतु अभी भी ग्राम धनवाही में डूबे आदिवासी मासूम का कोई पता नहीं है। अभी भी परिवार के लोग रूधे गले से उसके मिलने के भरम में आशान्वित हैं। ऐसे हालात में गहरे पानी से होते हुए मासूमों को स्कूल पहुंचना और दिन भर पढ़ाई पूरी कर फिर उसी गहरे पानी के रास्ते से वापस घर जाना खतरनाक ही नहीं, जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल है। मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर ग्राम सरसवाही स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैसे तो मझखवा, बरतराही, तदरौड़ी, कोडार, बरदोहा, बरबसपुर, खेरवा, सरसवाही सहित आधे दर्जन से अधिक गांव के मासूम अध्ययनरत हैं, परंतु तीन गांव बरतराही, ददरौड़ी, कोडार से आ रहे छात्रों के लिए वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की वजह से इसे बरुआ नदी के गहरे पानी से होकर स्कूल पहुंच रहे हैं, जो बेहद ही खतरनाक है।